किसान सम्मान निधि नकद राब से 2000 की किस्त इसी महीना जारी कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे किसानों का डीबीटी राशि पर पेमेंट अप्रूव को लेके बहुत परेशान है। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीबीटी पेमेंट अप्रूव क्या होता है, पूरी जानकारी हम शेयर करेंगे, क्योंकि डीबीटी पेमेंट अप्रूव पर बहुत सारे किसानों का सेंक्शन अब इतना ब्लैंक है। किसी का अंदर सेंक्शन प्रोसेसिंग बता रहे, किसी का अंदर सेंक्शन पेंडिंग आ रहे और किसी का ऑलरेडी सेंक्शन क्लोज हो चुका है। तो दोस्तों ये सेंक्शन ऑफ इजलास के बारे में हम इस वीडियो में फुल गाइड देंगे, क्योंकि बहुत सारे किसानों का ये कमेंट आ रहा है कि मेरा पैसा कब मिलेगा, इनकी मिलेगा कि नहीं। इसके लिए सभी लाभार्थी को डीबीटी पोर्टल पर जाके डीबीटी पेमेंट इजलास को चेक करना होगा। डीबीटी पेमेंट इजलास आप सभी लोग कैसे निकाल सकते हैं, इनकी कैसे चेक कर सकते हैं, उस टॉपिक का ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो दोस्तों उसी वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर दे दूंगा, वहां पर जाके चेक कर लीजिएगा। अभी हम बात करें तो ये लाभार्थी का देखिए, इसमें 2000 की जो अमाउंट है रिक्वेस्ट हो चुका है, लेकिन उसके बाद इसमें क्या बता रहे, फंड ट्रांसफर यानी कि फंड स्टेटस अप्रूव हो चुका है और बैंक की तरफ से भी रिसीव कर चुका है, लेकिन इसमें सेंक्शन ऑफ स्टेटस की जगह अब तक क्लोज नहीं हुआ है। जिन लाभार्थी का ये जो सेंक्शन ऑफ स्टेटस ब्लैंक आ रहा है, उन सभी लाभार्थी का एफटीओ प्रोसीड यस हुआ है, और जब भी इसमें ऑलरेडी क्लोज आ जाएगा, जैसे कि देखिए और एक स्टेटस आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें देखिए सैंक्शन ऑफ इजलास की जगह क्या बता रहे, ऑलरेडी सैंक्शन क्लोज आ रहे हैं। जब आप सभी का सैंक्शन क्लोज करके लिखा आएगा, तब आपका पैसा आपका बैंक अकाउंट पर आ गया है। तो दोस्तों जिन लाभार्थी का बैंक अकाउंट पर पैसा नहीं आया, उन सारे लाभार्थी इसमें इजलास ब्लैंक आने के बाद, इसका मतलब होता है आपका एफटीओ प्रोसीड हुआ है, यानी कि एफटीओ का काम जारी है। अब फाइल स्टेटस को चेक कीजिएगा, अगर रिसीव कर चुका है तो आपके एफटीओ यस हो चुका है। अभी हम जानते हैं जिन लाभार्थी का अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग आ रहा है, मतलब किसान सम्मान निधि नकद राब से जो पैसा है डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन एक हफ्ता पहले डीबीटी की पेमेंट स्टेटस पर पैसा आ जाता है, लेकिन यह पैसा किसानों का खाता पर ट्रांसफर होने में 24 घंटा से लेकर 48 घंटे का टाइम लगता है। उसी बीच सभी लाभार्थी का स्टेटस को सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन किया जाता है, अगर सभी का डीबीटी सब कुछ सही होगा उसके बाद ही आपका पैसा मिलेगा, नहीं तो आपका डिसेलेक्ट करके आएगा और ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। जैसे कि ये लाभार्थी का अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग आने का मतलब है आपका स्टेटस पर पैसा आ रहा है, मतलब आने का काम जारी है। अगर आपका स्टेटस पर डीबीटी वगैरह सब कुछ सही होगा तो आपको पैसा 100% मिल जाएगा, और यह किसान का ऑलरेडी एफटीओ यस हो चुका है और अभी इसमें अंडर सैंक्शन क्लोज आने वाला है। और जिन लाभार्थी का पेंडिंग करके बता रहे, उन सभी लाभार्थी को भी वेट करना होगा, पेंडिंग आने के बाद भी घबराने का बात नहीं, आप सभी को पैसा मिलेगा। सिर्फ आप सभी किसान भाई को एक ही पॉइंट को पॉइंट आउट करना होगा, इसमें जो वैलिडेट आ रहे या रिजेक्ट आ रहे, अगर आप सभी के इसमें वैलिडेटेड नहीं आ रहे, रिजेक्ट आ रहे, तो आपको क्या होगा, दोबारा से पीएफएमएस की तरफ से वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही पैसा मिलेगा। जैसे कि देखिए मैंने एग्जांपल के हिसाब से और एक स्टेटस आपको दिखाऊंगा। ये जो लाभार्थी है, लाभार्थी का इसमें क्या बता रहे, देखिए 15 नवंबर 2023 में पैसा रिसिप्ट हुआ था, सब कुछ सही है, उसके बाद ही ना पैसा रिसिप्ट हुआ है, लेकिन इस बार जो इंस्टॉलमेंट 20 फरवरी 2024 में अपडेट हुआ है यानी कि रिक्वेस्ट हुआ है, उसी टाइम ये लाभार्थी का रिजेक्ट आ चुका है, मतलब ये लाभार्थी का 2 नंबर का में रिजेक्ट कर दिया है, फिर से पीएफएमएस की तरफ से वेरिफिकेशन होगा और फिर से आपका पेमेंट रिक्वेस्ट होगा। जब भी दोबारा से रिक्वेस्ट कर दिया जाएगा, उसी टाइम अगर इसमें वैलिडेट करके लिखा होगा तो आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये वाली जो इंस्टॉलमेंट है, ये वाली इंस्टॉलमेंट ये लाभार्थी को नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा तब भी जब आपका डीबीटी पेमेंट पर दोबारा से रिक्वेस्ट होगा, इसमें रिक्वेस्ट डेट भी लिखा होगा, इसमें अमाउंट भी लिखा होगा और इसमें डेट अलग लिखा होगा, लेकिन सेम इंस्टॉलमेंट इसी तरह लिखा होगा, उसके बाद ही आपको किसान सम्मान निधि अंतर्गत आपसे ये 2 नंबर का इंस्टॉलमेंट रिसीप्ट होगा। इसलिए आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा वैलिडेट स्टेटस पर रिजेक्ट आ रहे या वैलिडेट आ रहे है, अगर आप सभी का वैलिडेट आ रहा है तो आपको टेंशन नहीं है, पैसा आ जाएगा। दोस्तों अगर आपका मन में और कोई भी सवाल है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उस टॉपिक का ऊपर वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।